शहर में कई सालों से जो अवैध बुचड़खाने चल रहे हैं उसी के तहत आज ये बुचड़खाना समिति द्वारा जो समिति बनी है, काफ़ी दिनों से लोग परेशान हैं, लेकिन जो अवैध बुचड़खाने चल रहे हैं, काफ़ी जानवर कट रहे हैं, बदबू से पूरे शहर परेशान है, तो आज उसी के तहत कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि शहर को सुविधा दें और इससे राहत दिलाएं, जल्दी इनको अवैध बुचड़खानों को हटाकर वहाँ जो बिल्डिंग भी बनी है उसको तोड़कर वहाँ जो बम्बूल लगे हुए हैं, 4-5 सालों से डेली इनको कहा जा रहा है लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है, बम्बूल कट रहे हैं, वहाँ के आसपास के लोग सब परेशान हैं, तो उसी के तहत आज ये सभी लोग मिलने आए हैं। आप पहले की चेयरमैन के साथ 5 साल बोर्ड में भी हैं, बिल्कुल आपने प्रयास क्यों नहीं किया आखिर इसको लेकर बोर्ड के अंदर? बिल्कुल मैंने प्रयास किया है, जब इसमें कोई इस पर अपने क्या कहते हैं इसको कोर्ट में कोई मामला अटका हुआ था, वो काम खत्म हो गया, ये बहाना बना लिया जाता था ऊपर से, लेकिन वो मामला खत्म हो चुका है, इसलिए जन आंदोलन शुरू हो गया है, या तो सुनवाई हो ही जाएगी नहीं पूरा शहर जन आंदोलन के रूप में उभरने वाला है। आप भी सभापति रही हैं, कृषियों के हित के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, उनको कहाँ जगह मिलना चाहिए उनके रोजगार के लिए, किस तरह से सोचते हैं क्या सोचते हैं? बिल्कुल जगह देखनी चाहिए सरकार को, अच्छी सी जगह उनको देनी चाहिए, हम नहीं चाहते कि उनके रोजगार पे कोई लात पड़े, ऐसा हम नहीं चाहते, हम तो केवल अवैध बुचड़खानों के तहत ये ज्ञापन देने आए ताकि शहर को राहत मिले और उनको अच्छी जगह दी जाए। क्या कुछ जगह आवंटित है इसको लेके पहले से? अभी अभी देखेंगे, सरकार बताएगी कहाँ दे रखी है, मेरे टाइम पे सलाट और हाउस कोई चराए की उधर पास हुआ था, लेकिन अब वो किस चिरौंज की तरफ, अब वो सर बाद में उसमें ऑब्जेक्शन कर लिया लोगों ने, गांव वालों ने, भाई यहाँ नहीं खुलने देंगे, अब कोई अच्छी सी जगह देख के जहाँ किसी को, ग्रामीण को, शहर को, किसी को भी परेशानी नहीं हो, ऐसी जगह देख कर उसको खोला जाए ताकि सभी को राहत मिले। आज का ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर साहब को दिया है, हमने मांग की है कि अवैध बूचड़ खाने जो संचालित हैं केवल सीज किया गया है, उनको सीज की कार्रवाई से समाधान नहीं होगा, सीज पूर्व में भी किया जा चुका है, किसी न किसी कारण से नगर परिषद द्वारा सील को खोल दिया जाता है, हमारा उनसे अनुरोध है कि एक तो उन बूचड़ खानों को तोड़ा जावे और नगर परिषद का जो स्थित स्लाटर हाउस है वर्ष 2008 से बंद है, आज 16 साल से जो भवन बंद है वो हालत जीर्ण शीर्ण में हो या अच्छी स्थिति में हो, अगर उससे न्यूसेंस उत्पन्न हो रहा है तो उसको तुरंत प्रभाव से तोड़ा जाए। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने हमसे कहा है कि हमने पीडब्ल्यूडी से इसकी रिपोर्ट मांगी है, मैंने उनसे निवेदन किया है कि पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट कुछ भी आवे लेकिन जो चीज़ जनहित के विरोध में हो, न्यूसेंस उत्पन्न करती हो, वो किसनी भी कीमत की हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसको तोड़ी जा सकती है, इसलिए हमारा निवेदन है कि उस बिल्डिंग को शीघ्र तोड़ा जावे, वहाँ से बमूल जड़ से साफ किया जावे ताकि अवैध पशुपत रुके और शहर में बढ़िया वातावरण हो। जो अवैध पशु चल रहा है उनके लिए जगह के लिए क्या प्रस्ताव करिए? ये प्रशासन का काम है, जिनको आवश्यकता है वो डिमांड कर रहे हैं, प्रशासन उनकी मांगे उचित बात है, जो मांग यहाँ भी आवश्यकता है, यहाँ की आधी से अधिक आबादी उसका सेवन करती है, शहर से दूर कहीं स्थान मिलना चाहिए ताकि आपस का टकराव और समस्या समाप्त हो। मतलब पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन, बदबू, बीमारियाँ सभी प्रॉब्लम है।